नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। राजनीति में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता, यह धीरे धीरे साबित होने लगा है। जी हाँ, राजनीति में जिस कारण चौटाला परिवार 5 माह पूर्व 2 हिस्सों में बट गया, इसी तरह से चुनाव से बिल्कुल पहले बिहार में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप सिंह ने अपने छोटे भाई तेजस्वी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने लालू और राबड़ी मोर्चा बना करके बिहार की 2 सीटों पर अपना दावा ठोका है और यहां तक कि कहा है कि वह स्वयं चुनाव लड़ेंगे अथवा कोई अपना उम्मीदवार उतारेंगे। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। राबड़ी मोर्चा है, लालू राबड़ी मोर्चा के जरिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे। ये जो लालू राबड़ी जो मोर्चा है, आपका क्या होगा सर? राजन तिवारी जी भी लड़ेंगे क्या? जो कैंडिडेट को जो मिलता है, जो निर्दलीय जो चुनाव निर्वाचन आयोग जो निर्धारित करता है, उस पे लड़ने का काम करेगा। लड़ करके जीत करके लालू जी से आशीर्वाद लेगा। इस्तीफा दे देंगे? इस्तीफा कोई बड़ी चीज है क्या? यहाँ जनता बेहाल है, बिहार में बेहाल है। और जो पार्टी में, जो राष्ट्रीय जनता दल में जिस तरीके से लोग जो डेरा बना करके जो उल जुलूल जो बात करने का जो इन लोगों ने जो काम किया है, जो शायद तेजस्वी जी के पैर के नीचे जो जिस तरीके से उनके सीट के नीचे जिस तरीके से ये लोग जो डेरा बना करके अनाप शनाप जो भाई भाई को और परिवार को जो बदनाम करने की जो साजिश रच रहे हैं, तो हमारे आगे जो लड़ाई है उसमें दुश्मन फायदा लेगा। जो आरएसएस है, जो बजरंग दल है, जो भाजपा के लोग हैं, ये लोग जो डेरा बना करके जो पूरे बिहार को, पूरे हिंदुस्तान को जो तिल तिल करके जो एक दीमक जिस तरीके से दरवाजा में लग जाता है, उसको जो खाने का काम करता है, उसी तरीके से ये लोग तिल तिल करके ये लोग खाने का काम कर रहे हैं। हमको 2 सीट चाहिए शिवहर, एक जहानाबाद के लिए। जहानाबाद के लिए जो नाम उन्होंने अनाउंस किया है सुरेंद्र यादव का, वो 3 बार से हारते चले आ रहे हैं और ये जनता में पूरे तरीके से आक्रोशित है। जनता इनको नहीं चाहती है, जनता चाहती है कि नौजवान को दिया जाए जो उनके लिए काम करेगा, उनके लिए विकास का गंगा बहाने का काम करेगा। तो इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए हमने मोर्चा खोलने का काम किया।